love the brands, I love the deals. Problem solved. Hi guys, welcome back to my channel. तो guys, कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा interesting सा vlog, तो आप पूरा ही देखना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा different और interesting होने वाला. Guys, आज बहुत मज़ा आने वाला है और मैं आई हूँ एक makeover के लिए. जैसा मैंने आपको भी बताया, मैं आई हूँ एक makeover के लिए और अभी अब मैं अंदर दिखाने वाली हूँ कैसे होते हैं यहाँ के पार्लर्स. और सबसे बड़ी बात देखो, ये कौन है हमारे पार्लर में? तो ये है प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर लगी हुई थी. सो अमेरिका के पार्लर में प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर्स लगी हुई है, सो दैट्स रियली ग्रेट. और यहाँ पर देख सकते हैं सारे प्राइसेस लिखे हुए हैं. ये मेरे वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था, बताने का कि जो इंडिया में पार्लर्स होते हैं, नॉर्मल जो पार्लर्स होते हैं, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा नॉमिनल और जेन्युइन होते हैं. बट यहाँ पे कोई भी पार्लर सस्ता नहीं है, चीप नहीं है, ये बहुत कॉस्टली है. या हेयर कट तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है इंडिया के कंपैरिजन में. और ये तो एक नॉर्मल सा पार्लर था, वरना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और आपको अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ता है. तो मिनिमम यहाँ पे $25 से स्टार्ट होता है हेयर कट का प्राइस. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंडियन करेंसी में कितना हुआ. तो ये अब मैं अपना हेयर कट शुरू करवा रही हूँ. तो मैंने इनको अपना डिज़ाइन दिखा दिया है, हेयर स्टाइल दिखा दिया, मुझे जो हेयर कट चाहिए. एंड मैं आपको बता दूँ कि यहाँ सारी चीज़ हो जाती है, पेडिक्योर, मैनिक्योर और सारे एक्रेलिक. मैं एक वीडियो भी बनाऊँगी, मैंने एक्रेलिक कराया था कुछ टाइम पहले, तो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे उसका फीडबैक कि कैसा होता है, आपको ईज़ होती है कि नहीं काम करने में. तो मैं आपको उसके प्रोस एंड कॉन्स का एक वीडियो बना दूँगी. तो अभी मैं हेयर कट ले रही हूँ और आप देख ही सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोफेशनली हेयर कट कर रही थी. और आप देख सकते हैं इन्होंने मुंह पे एक मास्क लगाया है कि कोई भी बाल वाल है तो उनको उड़े नहीं, लगे नहीं. और मेरा फाइनल हेयर कट हो चुका है. मुझे ज़्यादा लेंथ नहीं कटवाना था, लेकिन मुझे एक अच्छा सा हेयर कट देना था, एक अच्छे सा शेप देना था, जो मुझे मिल चुका है. और आप ज़रूर कॉमेंट करके बताना कि मुझे मेरे पर कैसा लगा ये हेयर कट. सो ये मेकओवर. और आगे मैं बहुत ज़्यादा डेयरिंग चीज़ करने वाली हूँ, तो आप पूरे वीडियो को देखना ताकि आपको पता पड़े मैं क्या करने वाली हूँ, जो जिसको करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ी गाइस. तो आप ज़रूर देखना वीडियो को, मुझे कमेंट करके बताना, स्पेशली जो फीमेल्स हैं ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कि ये डेयरिंग था या नहीं और कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस. गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक, कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है. गाइस, आज मैं ट्राई करने वाली हूँ आईब्रोज वैक्स. मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और मुझे पता नहीं क्या होने वाला है. तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं ये एक यूनिसेक्स पार्लर है और अभी राहुल भी हेयर कट ले रहे हैं. हाँ गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है मैंने जो देखा और मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए. तो ये हर जगह की, हर कंट्री की यहाँ करेंसीज़ लगी है. और देखो, हमारे भी कंट्री की करेंसी लगी है, 100 का नोट लगा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे. और ये 10 का नोट है और भी सारे कंट्रीज़ के नोट हैं. तो मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन सी कंट्री है ये सारी, बट बहुत सारी कंट्री के नोट्स थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि मैं आपको ज़रूर ये शेयर करूँ. तो गाइज, मेरा आईब्रोज हो चुका है और उस टाइम तो मुझे दर्द लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, बट हुआ नहीं. और ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन कर देता है, मुझे लगता है ये थ्रेड से ज़्यादा क्लीन करता है. तो गाइज, आप ज़रूर ट्राई करें और देखते रहें और इन्जॉय करते रहें. होप आपको ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा हो. अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. सो कीप वॉचिंग.